हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लहसुन की सब्ज़ी। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम पहले लहसुन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। पहले इसके जड़ को इस तरह से काट लेंगे, अच्छी तरह से हटा लेंगे इसका जो एक्स्ट्रा जो छिलका है इस तरह से। तो यहाँ हमने 500 ग्राम लहसुन लिया है, तो सभी को इसी तरह से क्लीन कर लेना है। तो इस तरह से सभी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो लहसुन हमारा साफ़ हो चुका है। अब इसे हम पानी में डाल देंगे लगभग 15 मिनट के लिए, ताकि जो गंदगी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और इसे दो तीन पानी धो लेंगे और धोने के बाद इसे प्लेट में निकाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और जब तक इसका पानी सूख रहा है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच अदरक, 4 हरी मिर्च, 4 से 10 लहसुन की कलियाँ और 3 टमाटर। इसका प्योरी बना लेना है। तो इस तरह से हमने इसका प्योरी बना लिया है। और यहाँ हम कुछ गर्म, तो यहाँ हमने लिया है थोड़ा सा दालचीनी, आधा चम्मच जीरा, 1 चक्रफूल इसे तोड़ लिया है, 4 से 5 काली मिर्च, आधा चम्मच पोस्ता दाना, आधा चम्मच शाही जीरा और ये थोड़ा सा जावित्री है। यहाँ पे हमने 2 लौंग लिया है और 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची। तो इसका भी पाउडर बना लेंगे। अब चलिए पहले हम लहसुन को फ्राई करते हैं। तो यहाँ हमने 1/2 कप तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। फ़ौरन के लिए हमने लिया है 2 तेज़पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च। तो चलिए इसे हम डालते हैं। तो फ़ौरन को हल्का तो रखने देंगे, इस तरह से चलाते हुए हल्का सा भून लेना है इसे। तो देख सकते हैं ये भून चुका है। अब हम इसमें लहसुन को ऐड करेंगे। लहसुन को भी 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह से लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। उसके बाद हम डालेंगे 2 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज। तो प्याज को भी अच्छी तरह से भून लेंगे लहसुन के साथ में ही। तो प्याज हमारा भून चुका है। अब हम यहाँ पे जो टमाटर का प्यूरी तैयार किए थे उसे मिला देंगे और इसे भी भूनना है साथ में ही। तो ये भून चुका है हमारा। उसके बाद अब हम यहाँ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। एक चम्मच सब्जी मसाला, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और जो हमने गरम मसाला पीस कर तैयार किया था उसे भी मिला देंगे। उसके बाद सभी को इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे मसालों के साथ में। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और 2 मिनट तक और इसे भून लेंगे ताकि जो मसाले का टेक्सचर है वो अंदर तक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे। अब मसाला भून चुका है। अब इसमें आपको जितना भी ग्रेवी पसंद हो, जैसा पतला या गाढ़ा, इसे लहसुन की सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी है ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उस तरह से इसमें पानी ऐड करें और 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने दें। और यह सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।